दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 एडी से प्रारंभ होकर 1526 एडी तक रहा है। भारत ने इस टाइम पे 5 सुल्तानों का शासनकाल देखा। इसमें 4 वंश तुर्की थे और 5वां वंश अफगान का था। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है दिल्ली व अजमेर के राजा महाराज पृथ्वीराज चौहान और अफगान से आए शासक मोहम्मद गौरी के युद्ध से। मोहम्मद गौरी और महाराज पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 तराइन के युद्ध हुए। पहला युद्ध 1191 एडी में हुआ, जिसमें महाराज पृथ्वीराज चौहान विजय हुए, और दूसरे तराइन के युद्ध में 1192 एडी में मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हुई। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह तुर्किस्तान का रहने वाला था। उस समय उस जगह पर गुलाम सैनिक कार्यों के लिए खरीदे जाते थे। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन को खरीदा था। वह धीरे धीरे सेना में ऊंचे स्थान पर पहुंचता गया और मोहम्मद गौरी का विश्वसनीय हो गया। मोहम्मद गौरी ने अपनी जीत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बना दिया और खुद वापस से लौट गए। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। यहाँ से दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चालू होता है 1526 एडी तक। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं। गुलाम वंश 1206 एडी से 1290 एडी तक, खिलजी वंश 1290 एडी से 1320 एडी तक, तुगलक वंश 1320 एडी से 1414 एडी तक, सैयद वंश 1414 एडी से 1451 एडी तक, लोधी वंश 1451 एडी से 1526 एडी तक। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का काल ख़त्म हुआ और मुगल आए। इसमें सबसे पहला वंश गुलाम वंश था, जिसको हिस्टोरियंस ने अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे ममलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी जिसे हिंदी में गुलाम वंश कहा जाता है, इल्बरी डायनेस्टी। ममलुक का अर्थ ऐसे गुलाम से है जिनके माता पिता स्वतंत्र हों, या ऐसे दास जिन्हें सैनिक कार्यों में लगाया जाता है। इसे इल्बरी वंश के नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि इसमें मोस्टली रूलर्स इल्बरी जाति के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड 1206 एडी से 1210 एडी तक रहा है। इन्होंने 4 वर्ष राज्य किया। ये संस्थापक माने गए हैं गुलाम वंश के, पर इन्हें दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर नहीं माना जाता क्योंकि इनके टाइम पे कैपिटल लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी द्वारा खरीदे हुए गुलाम थे। राजगद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को मलिक और सिपहसालार की पद्धति दी। ऐबक तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले थे, यानी तुर्की थे। इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये बहुत उदार थे और बहुत दान करते थे। इन्हें कुरान खां के नाम से भी जाना गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई इमारतों का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जो कि उन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम नाम की मस्जिद का निर्माण भी कराया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था, जो कि एक मस्जिद है। 1210 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसके पुत्र आराम शाह को सुल्तान बनाया गया, पर इल्तुतमिश ने उसे युद्ध में हराकर मार दिया। उसके मरने के बाद वे खुद सुल्तान बने। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में जानेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे।